नमस्कार, मैं प्रांसी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इन बीसीएन न्यूज चैनल में। मैं नागपुर के विधानसभा क्षेत्र के मेडिकल चौक पहुंची हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में चुनावी महासंग्राम शुरू हो चुका है और आज उसी महासंग्राम को जांचने के लिए मैं नागपुर की जनता के बीच आई हूँ। तो इस बार आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे, नितिन गडकरी को, विकास ठाकरे को या बीएसपी के? विकास ठाकरे को। कुछ मुद्दे बताइए कि आप उन्हें क्यों वोट देना चाहते हैं। जो आज तक जो बीजेपी ने जो 10 साल में जो किए काम रोड के अलावा दूसरा कोई काम, एक तो बेरोजगारी बढ़ी है, बराबर है। दूसरी बात, यहाँ की जो महंगाई है, महंगाई सीमा के पार गई है। तो आपको लगता है कि अगर परिवर्तन होता है और कांग्रेस आती है तो वो अच्छा काम करेगी? बिल्कुल करेगी। और नितिन गडकरी के काम से आप खुश नहीं है? गडकरी साहब स्पेशली हिंदी जो है बहुत अच्छे है, लेकिन जो उनकी जो पार्टी है वो पार्टी के वजह से लोग नाराज है। नहीं तो गडकरी साहब आज भी लोगों के दिल में बैठे। नेता के काम आपको अच्छे लगे ये बताइए। जी ये बिल्कुल डेफिनेटली नो डाउट अबाउट, नागपुर में नितिन गडकरी के सिवा किसी और लोगों की नाम ही नहीं ले सकते हैं। और आप परिवर्तन नहीं चाहते, आपके कहने का मतलब? देखिए, परिवर्तन तो उस समय चाहेंगे जिस समय अगर कोई बिगाड़ हो, समझ में बिगाड़ हो, हमारे नागपुर शहर में अगर विकास ना हो, नागपुर शहर में अगर समझ लो कोई चीज का प्रादुर्भाव हो, पानी नहीं मिल रहा है, रास्ते अच्छे नहीं मिल रहे हैं आपको, तो हम चाहेंगे कि भैया विकास जो लहर पहले थी वो अभी भी नितिन गडकरी की बरकरार है? लहर तो बरकरार ही है, उल्टा ज्यादा तेजी फैली हुई है उनकी। उस दिन उन्होंने इस बार बोल भी दिया है कि मैं तो प्रचार करूंगा भी नहीं। बिना प्रचार के अगर वो खुद उनके आने के लिए कॉन्फिडेंस बता रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या खामियां हो सकती है। आप किसको वोट देना चाहेंगे, विकास ठाकरे या नितिन गडकरी या किसी अन्य पार्टी के नेता को? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी को देना चाहिए, उनके काम आपको अच्छे लगे? हाँ हाँ हाँ। कौन से काम बताइए कुछ? सड़का बनवल्या। इस बार आप किसको वोट देना चाहेंगे, बीजेपी या फिर कांग्रेस? जो अच्छा काम करेगा यानी अच्छी प्रगति करेगा, बेरोजगार को अच्छी ये देंगे, हम उसी को देंगे। भी आप तब भी चयन किसका करना चाहेंगे, बीजेपी फिर से आए और फिर बेरोजगारी? हाँ, बीजेपी फिर से आना चाहिए क्योंकि बीजेपी का काम अच्छा है और अच्छा कर रहे हो, अच्छी प्रगति कर रहे, सब अच्छा अच्छा हो रहा, और जो बेरोजगार है उनको भी रोजगार अच्छे से मिल रहे हैं उनको। यानी वो देखते हैं कि जो गरीब है उनको देखते हैं कि कैसे करते कैसे नहीं करते, वो इस हिसाब से करते हैं, हम उसी को देंगे। परिवर्तन मतलब आप नहीं चाहते जो पार्टी बरकरार है वही पार्टी चले? नहीं वैसा नहीं है, मैं ऐसा बोल रही कि जो अच्छा हमको दिखना चाहिए, हमको दिख रहा कि कौन अच्छा कर रहा कौन नहीं कर रहा, ऐसे सरकार चाहिए कि जो मजबूरों के यानी गरीबी को समझना चाहिए, ऐसे जरूरतमंद को ऐसा देना चाहिए, जिसके पास है उनको और दो, ऐसा नहीं चाहिए, जो जरूरत है उनको उनको देना चाहिए। आइए चलते हैं, कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। और जो महंगाई है वो थोड़ा सा कम होनी चाहिए, जैसे सिलेंडर है जी। जो घरगुटी जो नारियां है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है, जो गरीब लोग है तो उनको तो ज्यादा ही दिक्कत जाती है। मैं ऐसे नहीं बोलती की जो पढ़ाई करने वाले बच्चे है उनको भी तकलीफ होती है कि जो सिलेंडर की वजह से या पेट्रोल की वजह से जो दाम बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से कैसे अपन जो भी करे जो जनता को देख के करना चाहिए या कुछ अच्छा भला होना चाहिए जनता का, यही है। आज मैं नागपुर विधानसभा क्षेत्र के वैष्णो देवी चौक पहुंची हूं। अब देखना यह है कि इस बार फिर से बीजेपी आती है, कांग्रेस आती है या दूसरी पार्टी आती है, और इसीलिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ जनता से पूछने के लिए, उनका मत जानने के लिए कि उनके मत क्या है, उनके मुद्दे क्या है। सर, इस बार के नागपुर लोकसभा चुनाव में आप किस पार्टी के प्रत्याशी को सांसद के रूप में देखना चाहेंगे? ये जो विकास कर रहा है पूरे देश भर में मोदी जी, उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने की, नितिन जी गडकरी खड़े है। उन्होंने आज नागपुर में मेट्रो लाया, सीमेंट रोड बनाया, जगह जगह पे नागपुर का विकास किया, सौंदर्यीकरण किया, और आज भारत एक सशक्त तीसरी महाशक्ति बनने जा रहा है, ये मोदी जी की विजन के वजह से है। आप किस पार्टी के साथ है या फिर किस पार्टी के प्रत्याशी को सांसद के रूप में इस बार नागपुर में देखना चाहेंगे? नितिन गडकरी। क्यों नितिन गडकरी को? क्यों? क्योंकि उसने शहर का विकास किया है, एक अच्छा कार्य है, आदमी भी अच्छा है, वो किसी जाति पक्ष के ऊपर काम नहीं करता, वो शहर का विकास कर रहा है और जो विकास करेगा हम उसके साथ में रहेंगे। इसके पहले नितिन गडकरी के पहले नागपुर को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था कि यहाँ पे कांग्रेस ही कंटिन्यू करती है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इतना परिवर्तन हो गया? ऐसा कोई कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं था ना,
सब अपने अपने मर्जी से काम करते थे, उनको इससे कोई लेना देना नहीं था। आज आपके सामने मेट्रो दिख रही है, आपके सामने पूरी सीमेंट की सड़कें दिख रही है। आने वाला जो समय है वो 100 साल के ही, नागपुर को सुरक्षित कर दिया, नागपुर की गुंडागर्दी खत्म हो गई। पहले बहुत थी क्या? पहले बहुत थी, 60 साल हो गए हमको नागपुर में रहते हुए। 60 साल में हम देख रहे हैं, ये तो खाली अभी दरबारा 15 साल के आप देख रहे हो, इसके पहले नागपुर शहर का हाल हमने देखा नहीं क्या? 100 में से 90% बोलूंगा मैं, 100 में से 90% परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल हुआ है। तो इस बार फिर से आप लाना चाहेंगे? बिल्कुल लाना चाहेंगे। इस बार आएंगे कि आपको लगता है कि अगले बार कुछ हम 10-15 साल ले लें? जब तक हम जिंदा है तब तक तो हम गडकरी जी को सांसद के रूप में देखना चाहेंगे। हमारा जो नागपुर सांसदीय क्षेत्र है इसमें हमारे सम्माननीय आदरणीय नितिन जी गडकरी जो उनके कुछ विकास के कार्य बताइए। अभी आप देख लीजिए मेट्रो का जितना काम चल रहा है, सीमेंट रोड हो रहा है, पूरा रेलवे लाइन का रोड का सड़क का और पूरा जो काम विकास का जो काम हुआ है, पहली बार नागपुर में इतना विकास का काम दिखने में आ रहा है। और निश्चित ही हम सभी की ये मानस रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग विजयी बनाए और गडकरी जी को विश्व को वोट करके प्रचंड बहुमतों से विजयी कराए। मैं तो गडकरी का फैन हूँ और गडकरी ही 5 लाख तो कुछ नहीं पर गडकरी ही आएंगे। कुछ विकास बताइए कि आप फैन बोल रहे हैं तो किन चीजों के फैन हैं? अब सब लोगों को नागपुर और जितने नागपुर वासी है उनको सबको मालूम है कि गडकरी ने क्या क्या काम किया है। ऐसा तो कोई छुपा नहीं है कि गडकरी ने जो काम नहीं किया है। और कुछ ऐसे कार्य हैं या फिर क्या आपको पसंद आ रहा है कि आप बीजेपी के साथ? उनकी एक्टिविटीज बढ़िया है, वो भी पसंद आई है। कौन सी एक्टिविटी आपको सबसे अच्छी लगी? जो देश के लिए कर रहे हैं मोदी जी। जी देश के लिए तो अच्छा कर ही ना, लेकिन अगर नागपुर लोकसभा के चुनाव की बात करें तो उसमें क्या बढ़िया, नागपुर में क्या बढ़िया कर रहे हैं? नागपुर में मोदी कर रहे हैं, नागपुर में क्या मतलब आता उसके? मोदी हमको मोदी से मोदी जी के कारण, मोदी जी ने जो देश के अंदर में हिंदू लोगों के अंदर में जो चलते काम किए, राम मंदिर बनाया है, इन सब चीजों को देखते हुए हमको सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को लाना है और 400 पार लाना है। 400 पार आप किस पार्टी के प्रत्याशी के साथ हैं? हम बीजेपी के साथ हैं और हमारे गडकरी साहब के साथ है। गडकरी साहब ने इसके पहले कोरोना काल में भी हमारा बहुत सारा साथ दिया ऑक्सीजन के। कोरोना काल में कैसे मतलब? कोरोना काल में यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, उन्होंने ऑक्सीजन का पूरा भरपूर सप्लाई अपने को ला के दिया और बेड्स वगैरह कम हो गए थे, उन्होंने हर तरह से मदद की। यहाँ पे जो है हम नितिन गडकरी जी को देखना चाहेंगे कि उन्होंने जो विकास किया है गडकरी जी का विकास, देखो मेट्रो है, एम्स है, उसके बाद में यहाँ पे जो सीमेंट रोड्स आए हुए हैं, उसके बाद में म्यूजिकल फाउंटेन हुआ है, बड़े बड़े नरसिम्हा कॉलेज से लेके सिम्बोसिस कॉलेज से लेके ये सब चीजें आई है। आज नागपुर में आने का रीजन, नागपुर तो पहले भी वैसे ही था, कांग्रेस के प्रत्याशी थे तो वो भी ला सकते थे बट उनके पास विजन ही नहीं था और इनके पास विजन है, इन्होंने लाया तो ये गडकरी जी को श्रेय देना ही चाहिए। बिल्कुल आज मिहान में इतने सारे लोग, कम से कम 1 लाख के ऊपर लड़कों को वहाँ पे आज नौकरी लगी है। बेरोजगारी के नाम से ये कांग्रेस चिल्लाती है, बेरोजगारी का सिर्फ ढोंग कर रही है कांग्रेस ही, तो हरदम ढोंगी है। वहाँ पे इतने सारे, वहाँ पे आप इंफोसिस आया, TCS आया, बहुत सारे इतने वहाँ पे इंडस्ट्रीज आई है या IT सेक्टर आ रहा है, IT सेक्टर में लाखों लोग वहाँ पे, लाखों रोजगार मिल रहे हैं, तो वो किसके वजह से? गडकरी जी के वजह से। वो जगह तो पहले भी थी, ये क्यों नहीं किया था कांग्रेस ने? कल का एक इंसिडेंट बताता हूँ, कांग्रेस क्या कहना बखेड़ा खड़ा कर सकती है। कल नाना पटोले जी एक बार में बैठे थे, रात में खाना खाने के लिए बैठे हो या किसी भी चीज के लिए बैठे, उनकी गाड़ी पार्क थी, वहां से किसी ने उनके गाड़ी के पीछे ठोक दिया है, लग गया होगा, तो उन्होंने कहा कि चलते हुए गाड़ी में मेरे ऊपर बीजेपी ने हमला किया। ये क्या बात है? ये कोई भी चीजों का ढोंग करने का, यही कांग्रेसी लोगों का है। जो देश का विकास करेगा वही राज करेगा और हमारे मोदी जी ने हर प्रकार का विकास किया है, विविध योजना लाई है। कोरोना काल में उन्होंने वैक्सीन का इतना बड़ा साटा दिया कि सबकी जान बची है। सबसे अच्छा काम करने वाले ये, उनके सिवा कोई काम ही नहीं करता, बहुत अच्छा काम किए नागपुर शहर में, तो बहुत ही अच्छा काम किए। कुछ परिवर्तन आप गिना सकते हैं 10-15 साल पहले और अभी के? बहुत, ये देखे ना, बहुत हो गया, मेट्रो आ गई, पूरे इधर उधर पुलिया बन गया, रास्ते अच्छे अच्छे बन गए, बढ़िया सब कुछ अच्छा हो गया है, बढ़िया उनके राज में बहुत अच्छा काम है। आप इस बार किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? नागपुर में किस पार्टी को लाना चाहते हैं आप, बीजेपी को या फिर कांग्रेस या BSP को? कांग्रेस को लाना चाहते हैं। कुछ मुद्दे बताइए। क्या मुद्दे? बेरोजगारी और ये महंगाई है, बाकी कुछ बोलते ही नहीं है, वो सनातन धर्म की बातें करते हैं और अपना राम मंदिर,
बाकी दूसरा कोई इशू नहीं है उनके पास में। नहीं लेकिन अगर नागपुर में बात करें तो नागपुर में विकास नहीं हुआ है क्या, नितिन गडकरी ने नहीं किया है? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं बोलना चाहते, हम पार्टी पार्टी के लिए बोल रहे हैं। आज का दौर जो चालू है हिंदू विरोधी और ये राम मंदिर, ये होना ही नहीं चाहिए ना। ये तुम बेरोजगारी देखो और ये महंगाई देखो, देश को वैसे चला रहा है, तुम राम मंदिर बना के देश को चलाओगे क्या? इस बार के जो चुनाव है उसमें आपके कौन से मुद्दे रहेंगे? मुद्दा का क्या है अभी बता नहीं सकते अपन, क्योंकि जो भी पार्टी आएंगी या आने वाली है उन्होंने बस जनता का कुछ अच्छा भला होना चाहिए। इन सभी विषयों पर ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, कैमरामैन नयन कानवांडे के साथ प्रांसी मिश्रा की रिपोर्ट।